अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम ब्रेन मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैं एक गाय का ब्रेन और एक बकरे का ब्रेन यूज़ कर रही हूँ। आप दोनों गाय के भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों बकरे के भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेन को एक बाउल में डाल के फुल ठंडा पानी इसमें डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए रखें। ठंडा पानी डालने का मकसद है कि इसकी वेंस वगैरह आसानी से निकल आती हैं। तकरीबन 10 मिनट ठंडे पानी में भिगोने के बाद अब इसके हम वेंस अलहदा करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको आराम से हल्के हाथ से उठा के इसको निकाल लें, सारी वेंस निकल जाएंगे। इसी तरह बाकी सारी वेंस भी सेपरेट कर लें। पीसी हुई सुराह मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक टू टेस्ट, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, बारीक काटी हुई सब्ज़ मिर्चें 4 अदद, सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, टमाटर प्यूरी 1/2 कप, 1 टमाटर चॉप्ड। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक पैन में पानी डालें। ब्रेन की वेंस और झिल्ली निकाल के इसको साफ पानी से वॉश कर लें और इसके अंदर ऐड करें। अब इसमें हल्दी डाल के इसे 1-2 मिनट तक बॉयल आने तक पकाएं। जब तक ब्रेन बॉयल हो रहा है उतनी देर में दूसरे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले तकरीबन 1/2 कप मैंने देसी घी डाला है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म होने पे इस पे प्याज ऐड करें। लो फ्लेम पे इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करें। बॉयल आ चुका है, अब मैं इसका पानी ड्रेन कर दूंगी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर सुराह मिर्ची पाउडर, धनिया, नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लें।
ताकि प्याज नरम हो जाए। पानी ड्राई हो जाए तो टमाटर की प्यूरी ऐड करें। टमाटर का सारा पानी ड्राई हो चुका है, अब इसमें मग्स ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस काट दें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें गरम मसाला ऐड करें। सब्ज मिर्चें और टमाटर ऐड करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सब्ज़ धनिया इसके ऊपर ऐड करें और फ्लेम लो करके 10 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख दें। हमारा ब्रेड मसाला रेडी है, अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ब्रेड मसाला डिश आउट कर लिया है, इसे गरम गरम नान के साथ इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।